कोरोना काल में दियोदर सरपंच ने दियोदर राजवी गिरिराज सिंह वाघेला द्वारा पोताना जन्मदिवस की अनोखी रीते प्रेरणादायी उजवणी करी छे। दियोदर खाते चाली रहेला कोविड केर सेंटर की मुलाकात लेवामां आवी, साथे दर्दीओना खबर अंतर पूछवामां आव्या, कोविड सेंटर ने रोकड़ रकम अर्पण करवामां आवी छे ने आ महामारी में जन्मदिवस की अनोखी प्रेरणादायी रीते उजवणी करी छे। कोरोना कहर वच्चे दियोदर रेफरल हॉस्पिटल खाते दियोदर आरोग्य तंत्र द्वारा खड़े पगे रहीने कोविडना दर्दियों माटे ऑक्सिजन दवाओ साथे दर्दियोनी केर सारी लीधी, जेना कारणे अनेक लोकोना जीव बच्या छे। रेफरल हॉस्पिटलना डॉक्टरोनी टीम साथे आरोग्य कर्मीओ द्वारा सराहनीय कामगीरीथी प्रभावित थई 15,000 रुपया रोकड़ा अर्पण कर्या। दियोदरमां आदर्श हाईस्कूलना कैम्पसमां जनसेवा कोविड केर सेंटरनी मुलाकात लईने कोविड सेंटरनी कामगीरीथी कोविड सेंटरनी कामगीरी साथे दर्दीओनी डॉक्टरो अने जनसुविधा कोविड केरना संचालको अने सेवाकीय कार्यकर्ताओनी सेवाओथी प्रभावित थईने दियोदर धारासभ्ય શિવાભાઈ ભુરિયાને જન્મદિવસ પર 25,000 રોકડા અર્પણ કર્યા। दियोदर लायन्स क्लब ने 5,100 रोकड़ा अर्पण करवामां आव्या। दियोदर रेफरल हॉस्पिटल कैम्पस में युवाओं द्वारा कोविड दर्दियों माटे फ्रूट ज्यूस चा निःशुल्क सेवाओं आपी रहेला मेडल ने पण 2,500 रकम आपीने सहयोग आप्यो। कोरोनाना केर वच्चे दियोदर रेफरल हॉस्पिटल खाते दियोदर आरोग्य तंत्र जे खड़े पगे रहीने कोविडना दर्दियोनी सेवा करी रह्यु छे, ऑक्सिजन दवाओ साथे दर्दियोनी केर सारी रीते लई रह्यु छे, जेना कारणे अनेक दर्दियोना जीव बच्या छे। रेफरल हॉस्पिटलना डॉक्टरोनी टीम साथ दियोदर आरोग्य कर्मचारीओनी सराहनीय कामगीरीथी प्रभावित थईने 15,000 रुपया रोकड़ा अर्पण करवामां आव्या। दियोदरमां आदर्श हाईस्कूलना कैम्पसमां जनसेवा कोविड केर सेंटरनी मुलाकात लईने कोविड सेंटरनी कामगीरी साथे दर्दीओनी पण जे डॉक्टरो अने जनसुविधा कोविड केरना संचालको अने सेवाकीय कार्यकर्ताओथी सेवाओथी प्रभावित थया अने दियोदर धारासભ્ય શિવાભાઈ ભુરિયાને જન્મદિવસ પર 25,000 રોકડા અર્પણ કર્યા। दियोदर लायन्स क्लब ने 5,100 रोकड़ा अर्पण करवामां आव्या। दियोदर रेफरल हॉस्पिटल कैम्पस में युवाओं द्वारा कोविडना दर्दियों माटे फ्रूट ज्यूस चा निःशुल्क सेवाओं आपी रहेला मंडल ने पण 2,500 रकम आपीने सहयोग आप्यो। महत्वनुं छे के दियोदरना राजवी अने दियोदर सरपंचे पोताना जन्मदिवस पर आदर्श हाईस्कूल खाते आवेला कोविड केर सेंटर अने दियोदर रेफरल हॉस्पिटलनी कोविड दर्दियोनी मुलाकात लीधी, दर्दियों माटे सेवाओं आपी रह्या डॉक्टर अने साथे तेमनी टीमने अने कोविड केरना संचालकोने कोरोना काल में आओ भगीरथ कार्य करवा बदल अभिनंदन पाठव्या छे। समग्र युवा टीम अने आ गामना प्रथम नागरिक तरीके हूँ व्यास साहेब अने एमनी समग्र टीम ने अभिनंदन आपू छू के आवी जर्जरित बिल्डिंग दियोदर रेफरल हॉस्पिटल नी होवा छता आजे 14-15 बेड उपर पेशेंटों नी जे सारवार ऑक्सिजन साथेनी थई रही छे ए खूब अभिनंदनना पात्र छे। अने बीजी जे रजूआतो करवा जेवी हती ए डॉक्टर साहेब ने बेसीने अमे लोको करी रह्या छीए अने जे रीते डॉक्टर साहेब ने मददनी जरूर होय तो अमे लोको अने अमारी समग्र युवा टीम एमनी साथे खभो खभा मिलाईने काम करवा माटे मेहनत करी रह्या छीए। साथे साथे अगाउथी पंचायते एवी दरखास्त करी हती अने व्यास साहेब ने ख्याल छे एम के दियोदरने ताबड़तोब नवू रेफरल हॉस्पिटल मळी रहे एनी माटे करीने अमे प्रयासो कर्या। માન્ય ઉપ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ અને આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્યના સાથ સહકારથી અને પૂર્વ મંત્રી શ્રી કેશાજીના સાથ સહકારથી અમને લોકોને નવું બિલ્ડિંગ બી મંજૂર થઈ ગયું છે, પણ કોવિડના લીધે ગામની અંદર સેનિટાઈઝ કરવું, સેનિટાઈઝની બોટલો આપવી, માસ્ક વિતરણ, ઉકાળાનું વિતરણ અને બનતી એવી તમામ સેવા એક દિયોદરના પ્રથમ નાગરિક તરીકે કરે છે, ત્યારે જ્યારે બીજી લહેર એક ખૂબ જ ઘાતક અને એવી પુરવાર થઈ ત્યારે દિયોદરના સરપંચ શ્રી ગિરિરાજ સિંહ વાઘેલાનો આજે જન્મદિવસ છે, એ જન્મદિવસ નિમિત્તે એમના મનમાં એક સ્ફૂર્ણા જાગી અને એમને કહ્યું કે આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સ્વરૂપે જે કોઈ સંસ્થા જે કોઈ હોસ્પિટલ એ કંઈ કામ કરી રહી છે ત્યાં, જેમ કે રેફરલ હોસ્પિટલની અંદર અગાઉ એમણે જ્યારે ફાળાની શરૂઆત પણ એમણે કરાવી હતી ત્યારે 11,000 રૂપિયા એ વખતે આપેલા હતા અને આજે બીજા 15,000 રૂપિયા રેફરલ હોસ્પિટલમાં આપ્યા છે। ત્યાં એક ભારત વિકાસ પરિષદ એક સંસ્થા કામ કરી રહી છે, ખૂબ સેવાનું કામ કરે છે, એ ભારત વિકાસ પરિષદ સંસ્થાને પણ 5,100 રૂપિયાનું દાન આપ્યું છે। એક યુવા સેવા સંગઠન મિત્રો કામ કરી રહ્યા છે, ત્યાં એમને 2,100 રૂપિયા અને બિસ્કિટના પેકેટો આપેલા છે અને વિશેષ કરીને અહીં આદર્શ હાઈસ્કૂલની અંદર દિયોદર જનસેવા કોવિડ કેર સેન્ટરથી અહીંયા દિયોદરના લોકપ્રતિનિધિ માન્ય શિવાબા અને એમની ટીમ જે કામ કરી રહી છે ત્યાં પણ અહીં એમની મુલાકાત લઈ અને 25,000 કિશોર નાયકનો અહેવાલ, જીટીવી ગુજરાત ન્યૂઝ, દિયોદર।